नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आमतौर पर घर में या घर के आसपास में जीव जंतु का दिखना हमारे लिए काम बात होती है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्ली, छिपकली, उल्लू को जहां एक तरफ शुभ नहीं माना जाता है, तो वहीं शगुन शास्त्र अनुसार दीपावली के दिन इन्हीं जानवरों का घर या व्यापार स्थान पर दिखना माँ लक्ष्मी का गुप्त संकेत बताया गया है। यह गुप्त संकेत दर्शाते हैं कि माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको पूर्ण वर्ष प्राप्त होगा। दीपावली के दिन घर की छत या व्यापार स्थान पर उल्लू का दिखना अति शुभ माना जाता है। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर ही दीपावली के दिन में विचरण करती है। शगुन शास्त्र अनुसार दीपावली के दिन जिस घर या व्यापार स्थान पर उल्लू दिखे, तो उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी पधारती है, और उस घर या व्यापार स्थान में पूर्ण वर्ष माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। होती है धन वर्षा, बनते हैं घर बिगड़े काम। दीपावली की साफ सफाई में हमें अनेक प्रकार के जीव जंतु दिख जाते हैं। इन्हीं जंतुओं में से एक जंतु है छिपकली। दीपावली और छिपकली को लेकर ऐसा मत है कि यदि दीपावली के दिन आपको अपने घर या व्यापार स्थान पर छिपकली दिख जाए, तो समझ लीजिए कि इस वर्ष खुलने जा रहा है आपके लिए कुबेर का खजाना। दीपावली के दिन यदि पूर्ण दिशा के दीपार पर आपको छिपकली दिखे, तो आपके घर में पूर्ण वर्ष सुख समृद्धि, सम्मान, प्रतिष्ठा और बड़े से बड़े कार्यों में मिलती है सफलता। यदि उत्तर दिशा के दीवार पर दीपावली के दिन में दिख जाए छिपकली, तो समझ लीजिए पूर्ण वर्ष के लिए खुलने जा रहा है आपकी कुबेर का खजाना। माँ लक्ष्मी का जब से बढ़तेगा आशीर्वाद। पश्चिम दिशा के दीवार पर दीपावली के दिन छिपकली का दिखना पूर्ण वर्ष हर्ष उल्लास का कारक बताया गया है। घर के समस्त जातकों का स्वास्थ्य रहेगा पुष्ट और पूर्ण वर्ष मिलेगी शुभ समाचार। दक्षिण दिशा के दीवार पर दिखने वाली छिपकली के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि यह समाज, परिवार, व्यापार में विजय का सूचक है। शत्रुओं पर विजय, व्यापार में लाभ और समाज परिवार में बढ़ेगा यशमान और प्रतिष्ठा। तीसरा जीव है मित्र छुछुंदर। वैसे तो कहा जाता है कि छुछुंदर अक्सर वहीं पाया जाता है जहां अदृश्य अर्थात ग्रह और धन हो, किंतु दीपावली के दिन छुछुंदर के दिखने पर ऐसी मान्यता है कि जिस घर या व्यापार स्थान पर छुछुंदर दिखे, उस घर की व्यक्तियों को होता है आकस्मिक धन लाभ। जैसे गरा हुआ धन मिल सकता है, कोई लॉटरी लग सकती है, शेयर मार्केट में बड़ा फायदा हो सकता है, या कोई ऐसा कार्य जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो और वह पूर्ण हो जाए। दीपावली के दिन में छुछुंदर के दिखने पर व्यक्ति को मिलता है निश्चित ही आकस्मिक लाभ। और चौथा जीव है मित्र बिल्ली। ये बिल्ली के दीपावली के दिन दिखना माँ लक्ष्मी की कृपा का सबसे विशेष और गुप्त संकेत माना जाता है। यह गुप्त संकेत दर्शाता है कि यह वर्ष होगा आपके लिए विशेष। माँ लक्ष्मी की पूर्ण वर्ष रहने वाली है आप पर कृपा। तो आइए जान लेते हैं क्या है वह विशेष काम जिसे दीपावली के दिन इन चार के दिखने पर तुरंत कर लेना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि दीपावली के दिन जिन घरों या व्यापार स्थान में इन चार में से कोई दिख जाता है, तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। किंतु शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली के दिन इन चार में से कोई एक भी दिखे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। वे अपनी मनोकामना को शीघ्रता से पूर्ण होने की कामना करनी चाहिए। साथ ही इनकी पूजा का भी भाव विधान बताया गया है। वैसे तो शास्त्र मत अनुसार सुबह सुबह चार पूजन का स्वाद है, जैसे रोली, मुंगली, चावल, सुपारी, वस्त्र, योग्य पवित्र आदि। किंतु शास्त्र मत अनुसार समय पर अक्षत अर्थात चावल मात्र चढ़ाने से शुभ सजन पूजन मान्य है। ऐसे में यदि चारों में से अगर आपको कोई भी जीव दीपावली के दिन में दिख जाए, तो इन पर धूप से ही चावल चलाकर षोडशोपचार पूजन का ध्यान करना चाहिए, और मनोकामना रखनी चाहिए कि माँ लक्ष्मी के द्वारा दिया गया यह गुप्त संकेत हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण करे, और माँ लक्ष्मी गणपति कुबेर सहित हमारे घर में व्यापार स्थान पर पूर्ण कृपा दृष्टि बनाए रखे। मित्रों, यह दुर्लभ सहयोग है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। अगर इस दीपावली आपको मिलता है यह अवसर, तो बताए अनुसार अवश्य करें एक काम, माँ लक्ष्मी को अवश्य देगी मनचाहा वरदान। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।